Good morning, my dear friends. We have already discussed in our last videos first and second visit of the opium patient. Now we shall discuss about the third visit of the opium patient. यदि हमारा first prescription wrong होगा या medicine की potency wrong होगी तो next visit में patient strong reaction दे सकता है, strongly complain कर सकता है, क्योंकि patient को cure चाहिए, relief चाहिए. I mean to say that if the patient does not get any relief, then he will complain in the next visit. इस third visit में मैंने patient से पूछा कि कहिए अभी कैसा है, आपने इतने दिनों से जो दवा खाई है उससे अभी आपको कैसा लग रहा है. पेशेंट ने कहा कि इधर मैं कुछ दिनों से परेशान हो गया हूँ, दर्द बहुत परेशान कर रहा है. पेशेंट इरिटेट होकर कहता है कि अभी तो यह दर्द बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है, कोई आराम नहीं है, अभी चलने में भी बहुत दर्द होता है, चलने में भी बहुत परेशानी हो रही है. पेशेंट इरिटेट होकर कहता है कि सर 4 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है परंतु अभी कोई आराम तो आ नहीं रहा है, इतने दिनों से दवा खा रहे हैं पर दवा कोई काम नहीं कर रही है, और कितना दिन दवा खाना होगा. बहुत पहले हड्डी के डॉक्टर को दिखाया था, वहाँ भी 3-4 महीना दवा खाया था पर कोई आराम नहीं हुआ था. आपके यहाँ भी इतने दिनों से दवा चालू है पर कहाँ कोई रिलीफ है. बीमारी से अब उब चुके हैं सर, पता नहीं कब यह पीछा छोड़ेगी. फिर पेशेंट कहता है कि पता नहीं यह क्या बीमारी है जो किसी से आराम नहीं हो रही है, दवा खाने के बाद भी कम नहीं हो रही है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू द रूब्रिक्स. द रूब्रिक्स आर इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, डिलूजन, परसिक्यूटेड ही इज, डिलूजन, इमेज ब्लैक, टॉकिंग ऑफ बिजनेस, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस, नॉइज, इंक्लाइमेशन टू मेक नॉइज, एम्बैरेसमेंट आफ्टर एल्टरलिटी ऑफ सिम्टम्स. नाउ ओपियम इज इंडिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आफ्टर रेपर्टराइजेशन. नाउ एट दिस स्टेज ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द टाइम, ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द डिजीज्ड कंडीशन, द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट बिकम्स चेंज्ड कंप्लीटली एंड पेशेंट गिव सच टाइप ऑफ रिएक्शन एंड मेक्स नॉइजेज. आई रिमेंबर अ केस ऑफ आवर मास्टर that once he went to meet his friend and he saw the doctor and patient were quarreling, saying by the patient that after spending much time, much money, he is not getting any relief, saying with irritability. The patient was blaming to the doctor. Last he said, what is the meaning of the treatment when there is no any relief. Here our master said to the doctor, said to his friend to give opium medicine to the patient, and it is to our surprise then when patient came back he was very happy, smiling face. The medicine was opium. Ab hum log पेशेंट की इस गुस्से वाली अवस्था को रूब्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का रिएक्शन, पेशेंट का गुस्सा किस तरह कम हो जाता है. रूब्रिक नंबर 1, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग. वी हैव डिस्कस्ड दिस रूब्रिक मेनी टाइम्स इन आवर लास्ट वीडियोज. द नेक्स्ट रूब्रिक, डिलूजन, परसिक्यूटेड ही इज. सन मीन्स हैरेस और एनॉय, persistently, अर्थात किसी रोग के कारण या किसी परिस्थिति के कारण लगातार परेशान होना. यह पेशेंट रोग के कारण, रोग ठीक नहीं होने के कारण, टाइम ज़्यादा होने के कारण लगातार परेशान हो रहा है और कहता भी है कि सर अब उब चुके हैं, पता नहीं यह बीमारी कब छोड़ेगी. द नेक्स्ट रूब्रिक, डिलूजन, इमेज ब्लैक. दिस रूब्रिक
वाज आल्सो डिस्क्राइब इन आवर लास्ट वीडियोज। इस पेशेंट को मन में लगता है कि इतना सारा दवाई खाया पर कहाँ कोई आराम है, कुछ भी आराम नहीं है। अर्थात पेशेंट कहना चाहता है कि सब कुछ ब्लैक है। द नेक्स्ट रूब्रिक टॉकिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस मतलब धंधा, व्यापार। ऐसा कोई व्यापार जिसमें हम नफा या नुकसान करते हैं। इसमें पेशेंट इतने दिनों से दवा खा रहा है परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा है, कोई नफा नहीं मिल रहा है, नुकसान ही हो रहा है। द नेक्स्ट रूब्रिक फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। इस रूब्रिक को समझने के पहले हमें फियर को अच्छे से समझना होगा, नहीं तो हम इस रूब्रिक के अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग जनरली जानते हैं कि फियर मतलब डर, परंतु डर मतलब फियर इज ए काइंड ऑफ डिसकम्फर्ट अराउज्ड बाय इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग पेन और इम्पेंडिंग इविल, विच इज स्पेसिफिक इन नेचर। द पेशेंट कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ हिज फियर। सो फियर इज ए काइंड ऑफ डिसकम्फर्ट। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाट इज डिसकम्फर्ट। डिसकम्फर्ट मीन्स अब्सेंस ऑफ कम्फर्ट, अनइजीनेस, माइल्ड पेन, डिस्ट्रेस। अर्थात छोटे में कहने का मतलब यह है कि डर एक तरह का डिसकम्फर्ट है। अर्थात पेशेंट के मन से तनाव के कारण कम्फर्ट गायब हो जाता है, अनइजीनेस आ जाती है। पेशेंट के मन में बार बार यही आता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंग्जाइटी हैज आल्सो सिमिलर डिसकम्फर्ट विथ सम डिफरेंशिएशन विच वी सेल डिस्क्राइब, वी सेल एक्सप्लेन इन आवर कमिंग वीडियोज। इस केस में पेशेंट कहता है कि सर 4 महीने से ज़्यादा टाइम से दवा खा रहे हैं और कितना दिन दवा खाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर पेशेंट के मन में एक तरह का डिसकम्फर्ट है, अनइजीनेस है, फियर है कि टाइम एक लिमिट से ज़्यादा पार हो चुका है और अब वह सोचता है कि और कितना टाइम लगेगा। द नेक्स्ट रूब्रिक नॉइज, इंक्लाइमेशन टू मेक नॉइज। नॉइज मतलब पेशेंट अपनी आवाज़ में इस तरह बोलता है जैसे हमें लगता है कि हमारे कानों में कुछ चुभ रहा है, हमें अनप्लीजेंट लगता है, हमारे मन में आता है कि यह पेशेंट बहुत चिल्लाता है। यहाँ पर यह पेशेंट शोर गुल कर रहा है कि हड्डी के डॉक्टर को 3 महीना दिखाया, इतना सारा दवा खाया, कोई फ़र्क नहीं, आपके यहाँ से भी इतने दिनों से दवा खा रहे हैं, कहाँ कोई फ़र्क है, वगैरह वगैरह। दिस कंडीशन ऑफ नॉइज इज़ वेरी अनप्लीजेंट फॉर अस। द नेक्स्ट रूब्रिक एम्बेरेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेंड मैनी टाइम्स इन आवर लास्ट वीडियोज। इसमें पेशेंट कोई घटना घटने के बाद ओवर कॉन्शियस हो जाता है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है और उस पर सीरियसली सोचते रहता है, मायूस हो जाता है। यहाँ पर पेशेंट मायूस होकर सोचता है, मन को छोटा करके सोचता है कि पता नहीं क्या बीमारी है, इतने दिनों से दवा खा रहे हैं पर कोई आराम मिल नहीं रहा है। आवर नेक्स्ट सेक्शन ब्रीफ केस। पेशेंट कहता है कि इधर मैं कुछ दिनों से परेशान हो गया हूँ, दर्द बहुत परेशान कर रहा है, चलने में भी परेशानी हो रही है। द रूब्रिक इज डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। इस थर्ड विजिट में पेशेंट अपनी बात को कहते समय अधिकांश बार इरिटेट हो जाता है, इरिटेबल ड्यूरिंग पेन रूब्रिक में आ जाता है, जो हमें ऑब्जर्व करना होता है। पेशेंट कहता है कि सर इतने दिनों से दवा खा रहे हैं परंतु कुछ भी आराम नहीं है, डिल्यूजन इमेज ब्लैक। पेशेंट कहता है कि 4 महीने से दवा खा रहे हैं परंतु रोग कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। द रूब्रिक इज टॉकिंग ऑफ बिजनेस।
पेशेंट कहता है कि 4 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और कितना दिन दवा खाना पड़ेगा। द रूब्रिक इज फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। पेशेंट कहता है कि वहाँ से दवा खाया, आपके यहाँ से दवा खाया, कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई आराम नहीं मिल रहा है। द रूब्रिक इज नॉइज इनक्लाइमेशन टू मेक। पेशेंट कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है, इतने दिनों से दवा खा रहे हैं परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा है। पेशेंट मायूस होकर कहता है। द रूब्रिक इज एम्बेरेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर। बहुत बार ओपियम पेशेंट एक्स्ट्रा वेगेंस ऑफ टाइम के कारण डॉक्टर के पास में आता है और कहता है कि सर, पहले तो यह बीमारी मुझे 3-4 दिनों में अपने से आराम हो जाती थी, पर इस बार तो 1 सप्ताह से भी ज़्यादा टाइम हो गया। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। द रूब्रिक इज फियर ऑफ एक्स्ट्रा वेगेंस एंड एम्बेरेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर। बहुत बार पेशेंट एक्स्ट्रा वेगेंस ऑफ टाइम के कारण जब दूसरी बार आता है तब पेशेंट इरिटेट होकर कहता है कि सर, इतने दिनों से दवा चल रहा है और कितना दिन दवा खाना होगा। साथ में नॉइज़ भी चालू कर देता है। बहुत बार ओपियम पेशेंट बीमारी से नहीं परंतु बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है इस बात से ज़्यादा परेशान रहता है। डॉक्टर से बीमारी की बात कहते समय यह भी बताता है कि वहाँ से भी दवा लिया, यहाँ से भी दवा लिया, परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड आई डॉक्टर मुकेश गंगानी वांट्स टू से अ लाइन ऑफ क्वेश्चन दैट डोंट कन्फ्यूज ओपियम विथ नक्सवोमिका बिकॉज बोथ द मेडिसिंस हैव सिमिलर रूब्रिक्स लाइक कंप्लेनिंग एक्स्ट्रावेगेंस irritability pain during. In the rubric irritability pain during, the nux vomica is present in complete repertory and absent in synthesis repertory. So please remember, delusion he is persecuted. अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों ही दवाएँ डॉक्टर से कंप्लेंट करती है कि सर, कोई आराम नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया दवा खाते खाते, इस बीमारी से परेशान हो गए हैं सर। दोनों दवाएं इन सारी बातों को इरिटेट होकर कहती है। बट देयर आर मेनी रूब्रिक्स विच मेक डिफ्रेंसिएशन इन दीज टू मेडिसिंस लाइक नॉइज इंक्लाइनेशन टू मेक नॉइज डिलूजन इमेज ब्लैक फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन एटसेट्रा। ओके माई डियर होम्योपैथ, सी यू अगेन वेरी सून विथ सम न्यू डिस्कशन।